हम चर्चा कर रहे हैं कल्पना सरोज के साथ बड़ी बड़ी चुनौतियां कितने आंसू कितनी तकलीफें इनके लिए तो कवि प्रदीप की एक लाइन याद आ रही है मतरो मतरो आज राधिके सुन ले बात हमारी मतरो मतरो आज राधिके सुन ले बात हमारी जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी आपकी इस पूरी यात्रा में कोई आपका साथी किसी ने आपको सपोर्ट किया किसी का विशेष आप मानती हैं कि हाँ जी हाँ उसमें मन्ना जी गोरे आ, जो कंपनी के एम भी है आ, वो कदम कदम पर मेरे साथ रहे और हमने दोनों ने मिलके काफ़ी कुछ फैसले लिए और काफ़ी कुछ काम करने बाकी के जो आठ और भी आठ नौ लोग थे तो वो तो ये सारी प्रॉब्लम्स देख के डर गए और पीछे हो गए उन्होंने कहा कि मैडम जब कभी पैसे आएंगे आप हमें दे देना जी मैं बड़े आदर के साथ यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा मन्नान जी को आइए गोरे साहब आइए आइए जोर साहब प्लीज प्लीज आइए बैठिए जी गोरे साहब ये गाथा कल्पना सरोज जी की इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं आप रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस प्रोग्राम का नाम है किस्से कामयाबी के आपके बारे में उन्होंने चर्चा की आप क्या कहना चाहेंगे जी जी तो हमने कल्पना जी को जो करीब से देखा वहाँ पे वो ये देखा कि वेन ऑफ विजन एंड मिशन उसके पास एक उसका विजन था और एक मिशन था उसका और बोर्ड में एक लेडी और हम दूसरे ग्यारह जेंट्स जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी कभी ऐसा होता था कि ग्यारह के ग्यारह जेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तरफ होते थे कि ये और ये अकेले रह जाती थी और वहाँ पे वो ये कहते थे कि भाई ये तो बहुत कठिन काम है इसमें लॉसेस से लॉसेस हैं और कल्पना जी का कहना था कि बिजनेस इसी का नाम बिजनेस है कि वहाँ नफ़ा और नुकसान है और वो अक्सर जब मुश्किलें आती थी और कोई घबरा घबरा जाते थे हम तो कहती थी उसका एक शहर है कि वो देख कामयाबी के शोले मंजिल से इशारा करते हैं वो देख कामयाबी कामयाबी के शोले मंजिल से इशारा करते हैं अरे तुम हिम्मत हारे जाते हो हिम्मत भी कहीं हारा करते हैं अरे वाह 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 आप तो कभी हृदय साहब तो कल्पना जी की बातों ने हमें हमेशा हिम्मत दी और एक थी बात उसमें जो देखी मैंने जी उनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें सात साल का समय दिया विदाउट इंटरेस्ट विदाउट ये सात साल ये पैसा आप पे करो सात साल में अगर आप इसको गिने तो सौ करोड़ का फायदा था अकाउंटिंग के हिसाब से उतना इंटरेस्ट हमें मिल जाता सब बोर्ड ने कल्पना जी को कहा कि कल्पना जी हमको ये इंजॉय करना चाहिए पैसा बिजनेस के लिए आप बैंक को सात साल में दीजिए देश के अपर कोर्ट ने सबसे बड़ी कोर्ट ने आपको रिलैक्सेशन दे दिया है जी। उसने कहा नहीं मैं अभी ये पैसा दूंगी पूरा बोर्ड अगेंस्ट था उसने कहा मैं अभी दूंगी उसने ये कहा कि जब बैंक ने मुझे सपोर्ट किया तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि कोर्ट सात साल का है दस साल का है आप चिंता नहीं करना मेरी जबान है मैं आपको एक साल में पैसा दूंगी और ये कहते हुए मुझे फख्र और खुशी होती है कि इस लेडी ने एक साल में पैसा दे भारत में एक मिसाल पैदा की इसलिए हमने देखा और मुझे फख्र है अक्सर लोग क्या करते हैं कि पुरुष को जो है पुरुष प्रधान देश है हमारा स्त्री के ऊपर कमांडिंग करने में मजा आता है मैं फख्र से कहता हूँ कि मुझे इस स्त्री के साथ में इनके कैप्टनशिप में काम करने में मज़ा आता है थैंक यू गोरे साहब बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छे विचार आपके सामने रखे मेरे मेहरबान दोस्तों आज कथा या गाथा सुनी संघर्ष से सफलता की और गाथा की मुख्य नायिका थी सुश्री कल्पना सरोज एक और विशेष अतिथि से आपको मिलवाना चाहूंगा स्वागत करना चाहूंगा श्री शौविक सेन गुप्ता का जो ग्रुप बिजनेस हेड हैं, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन शौविक सेन गुप्ता जी स्वागत है आई। आई।, 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 आई आई एक आम आदमी है अगर मैं कुछ करना चाहता हूं मैं भी गरीब आदमी हूं मैं एक पोर्टल कोई ऐसा को है जहां पर जाके मुझे पता पड़ के मुझे सारी इन्फो अवेलेबल हो कि ये स्कीम्स हैं बिल्कुल सर आ, सबसे आसान तरीका तो है जो मिनिस्ट्री जो एमएसएमई मिनिस्ट्री जी, है जी। उसका जो ऑफिशियल साइट है msme.gov.in इसमें तमाम स्कीम्स तमाम सब्सिडीज तमाम बेनिफिट रिबेट सब डिटेल में जानकारी दी हुई है जी, जी. और आज की इंटरनेट के दुनिया में सबके फोन पे टैबलेट पे दिल्कुल, कंप्यूटर दिल्कुल। पे तो होता ही है इसके अलावा भी काफी सारे बॉडीज हैं जो इंडस्ट्री बॉडीज है, है वो भी सब्सिडी या ये सब के लिए काफी देते हैं। ओके। पर सबसे अच्छा है ऑफिशियल साइट एकदम अनडाइल्यूटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो एमएसएमई पे सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी थैंक यू सैन गुप्ता साहब एक बात और मुझे जाननी थी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन और और उसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें कितने ब्यूरोटिकसल से आदमी को गुजरना पड़ता है मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ब्यूरोटिकल्स नहीं आते या तकलीफें नहीं होती है नहीं। पर आप अगर अपने जैसे आप लोग अभी कह रहे थे आप अपने इरादों में अगर बुलंद है तो रोक तो सकते नहीं है क्योंकि काम अगर होना है वो तो होना ही है थोड़ा शायद टाइम ज्यादा लग जाएगा थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस मेरे मेहरबान दोस्तों आज के लिए इतना ही मैंने जैसे आपसे पहले निवेदन किया था कि किसी की जिंदगी के अनगिनत आंसू और बेशुमार खुशियां बेशुमार कामयाबी को एक छोटे से प्रोग्राम में समाहित करना संभव नहीं है आज की गाथा पद्मश्री कल्पना सरोज की गाथा यह कहानी है उस करुणा की दया नहीं उस करुणा की ऐसे लोगों की जो चाहते हैं कि जो मैंने किया वो दूसरे भी करें दूसरे भी अपने प्रयासों से उन्हीं आसमान की ऊंचाइयों को छुएं मैं बहुत आभारी हूं आपका बहुत धन्यवाद के आप हमारे कार्यक्रम में पधारी यह रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस की प्रस्तुति किससे कामयाबी के चलता हूं फिर एक और कामयाबी इससे लेकर आपके सामने हाजिर होंगे जय हिंद